1940s के दशक की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस ऐसी बला की खूबसूरत कि उन्हें कोई एक बार देख लेता तो उनके चेहरे से नजर हटाना मुश्किल हो जाता इसीलिए उनके माता पिता हमेशा पर्दे में ही रखते उन्हें और वो जब फिल्मों में आई तो आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया था वो अदाकारा आगे चलकर इतनी मजबूर हो गई कि उन्हें अपनी सगी बेटी के लिए ही फिल्में छोड़नी पड़ी क्या आप यकीन करेंगे इन अदाकारा को भारत से इतना प्यार था कि यहाँ रहने के लिए उन्होंने अपने पति को भी तलाक दे डाला कौन थी वो अदाकारा अपने जमाने के सबसे मशहूर सुपरस्टार कैसे उनके दोस्त से बन गए उनके दामाद जानेंगे और भी बहुत कुछ बस बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मैं हूं प्रतिभा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास चालीस के दशक की यह अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में खास स्थान रखती थी का छलका दिया हम जिस हसीना की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं वह थी नसीम बानू बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार। यह दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की माँ और अभिनेता दिलीप कुमार की सास ऐसी सास जो दिलीप कुमार से सिर्फ छह साल ही बड़ी थी जी हां साल है ना सरप्राइजिंग बट सच यही है नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में हुआ था और उस समय उनका नाम था रोशनारा बेगम उनके पिता हुसनपुर के नवाब थे और मां शमशाद बेगम गायिका थी यहां हम क्लियर कर देते हैं कि ये शमशाद बेगम लेके पहला पहला प्यार वाली शमशाद बेगम नहीं थी बल्कि ये तो इंडस्ट्री में छमियाबाई के नाम से जानी जाने वाली शमशाद बेगम थी उनके लिए कहा गया कि वह इतनी खूबसूरत थी कि उनके माता पिता उन्हें पर्दे में रखते थे और स्कूल भी भेजते थे तो पालकी में एक बार नसीम अपने स्कूल की छुट्टियों में माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई और फिल्मों से बेहद प्रभावित हुई उधर स्टूडियो में नसीम की सुंदरता देखकर फिल्मकारों के बीच उनकी चर्चा होने लगी इसी के चलते उन्हें कई प्रोड्यूसर्स काम करने के ऑफर देने लगे लेकिन उनकी मां ने यह कह कहकर इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि नसीम अभी बच्ची है पर उन्हें क्या पता था नसीम बानो ठान चुकी थी कि उन्हें अब अभिनेत्री ही बनना है मां के विरोध के बावजूद नसीम बानो जिद पर अड़ गई और घर में भूख हड़ताल कर दी और हार कर को उन्हें इजाजत देनी ही पड़ी जब मुंबई आई तो उन्होंने प्रोड्यूसर सौराब मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कई फिल्में की इन फिल्मों में तलाक मीठा जहर बसंती जैसी और भी कई शामिल हैं। लेकिन फिल्म पुकार में नूर जहां का किरदार निभाकर नसीम बानो मशहूर हो गई क्या आपको पता है उस जमाने में उन्हें ब्यूटी क्वीन कहा जाने लगा फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान उनकी सुंदरता के कारण उन्हें परी चेहरा नाम दिया गया जो मरते दम तक उनके साथ रहा आगे चलकर उनकी बेटी सायरा बानो को भी इस नाम से पुकारा गया फिल्मी करियर में अपने पैर जमाने के बाद नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त मिया एहसान हक से शादी की जो एक वास्तुकार थे पति पत्नी की टीम ने ताजमहल पिक्चर्स की शुरुआत की और इस बैनर के तले 1942 से 1949 के बीच उन्होंने कई फिल्में बनाई जिसमें उजाला बेगम मुलाकात चांदनी रात और अजीब लड़की जैसी फिल्में शामिल है नजर उनके दो बच्चे थे पहली बेटी सायरा बानो और एक बेटा सुल्तान अहमद दोनों को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया विभाजन के बाद नसीम के पति एहसान हक ने भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान में बस गए पर नसीम भारत लौट आई उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ भारत में ही रहने का फैसला कर लिया था है है उन्होंने कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया सन 1957 में उन्होंने नौशरवाने आदिल में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद अभिनय छोड़ दिया कुर्बानी जान की नहीं तुम्हारे उसूलों की कुर्बानी मांगती हूँ आज माँ की इज्जत बेटे के हाथ है उनके अभिनय छोड़ने का कारण भी काफी दिलचस्प है कि फिल्मों में भाग्य आजमाने आ रही उनकी बेटी सायरा बानो की तुलना कोई उनकी माँ यानी नसीम बानो से करे पर अभिनय छोड़ने के बाद भी वह सक्रिय भूमिका में बनी रही निर्माता के रूप में वह पहले ही अपने हाथ आजमा चुकी थी और फिर वह अपनी बेटी की ड्रेस डिजाइनर बनी 1961 में सायरा की फिल्म जंगली में उनकी ड्रेस डिजाइनर नसीम ही थी। मुझे मुझे कहा जाता है कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के पीछे भी नसीम बानो का हाथ था पर उससे पहले उनका दिलीप कुमार के साथ बेहद करीबी दोस्ताना रिश्ता भी था दिलीप सुपरस्टार थे जब वे दिलीप कुमार से मिली तब वे अभिनय से दूर हो चुकी थी लेकिन अपने व्यक्तित्व से उन्होंने दिलीप साहब को काफी प्रभावित किया इस दौरान नसीम की बेटी सायरा बानो भी एक सफल अभिनेत्री के तौर पर अपने पैर जमा चुकी थी भाई बतूर, भाई बतूर, अब कितनी अच्छी दोस्ती के चलते 1960 में नसीम बानो ने पाली हिल इलाके में दिलीप कुमार के बंगले के पास ही जमीन खरीदी थी बस यहीं से शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला नसीम बानो दिलीप कुमार को काफ़ी पसंद करती थी घर पर अक्सर वह सायरा के सामने दिलीप की चर्चा किया करती थी शायद यही कारण था कि सायरा भी अपनी माँ की तारीफों के कारण दिलीप कुमार की फैन बन चुकी थी जब सायरा पाली हिल वाला प्लॉट देखने गई तब वह दिलीप कुमार की बहनों से भी मिली दिलीप कुमार घर पर ही थे अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए सायरा ने एक इंटरव्यू में बताया था जब मैं पहली बार उनसे मिली थी वे तो मुझे देखकर मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था कि मैं खूबसूरत हूं उनकी बात को सुनकर मैं ज्यादा खुश हुई थी। पर तब ना तो दिलीप कुमार के दिमाग में दूर-दूर तक सायरा को लेकर कोई भावना थी और ना सायरा के मन में न के मेरे जाए। पर दिलीप कुमार नसीम बानो से काफी क्लोज थे क्योंकि दोनों की उम्र में खास अंतर नहीं था अपनी पहली फिल्म जंगली से सायरा सुपरस्टार बन गई थी उनकी बाद की फिल्मों ने भी खूब कमाल किया सायरा सुपरस्टार तो बन गई पर दिलीप कुमार के ऑपोजिट उन्होंने काफी समय तक काम नहीं किया कहते हैं उसकी वजह यह थी कि दिलीप कुमार को सायरा बच्ची लगती थी वो उनकी मां के दोस्त तो थे और दोनों की उम्र का फासला भी काफी था लिहाजा फिल्मकार सायरा को दूसरे सुपरस्टार जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे उनकी ऑन उन स्क्रीन जोड़ी लोगों को काफी पसंद थी और फिल्में हिट पे हिट होती चली गई गॉसिप करने वालों को मसाला भी मिलने लगा था और गॉसिप धीरे धीरे सच में बदलने लगी इधर सायरा के मन में भी प्रेम पींगे लेने लगा वह राजेंद्र कुमार की तरफ खिंचती चली गई जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे तुमको हमारी इतना ही नहीं वे शादीशुदा भी थे और तीन बच्चों के बाप भी थे इन सब के बावजूद एक दौर ऐसा आया जब सायरा राजेंद्र कुमार के के अफेयर चर्चे चारों तरफ होने लगे सायरा की राजेंद्र कुमार के साथ डेटिंग की खबरें भी आने लगी 1964 में रिलीज हुई फिल्म आई मिलन की बेला में भी राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट सायरा बानो नजर आई आ, 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 उस वक्त उनकी खूबसूरती के चर्चे खूब हुआ करते थे खूबसूरत सायरा बानो को देखकर राजेंद्र कुमार भी दिल दे बैठे तुम आज करो ये बात हमें नहीं बस यहीं से सायरा राजेंद्र कुमार के रोमांस के चर्चे शुरू हुए नसीम बानो को भी अपनी बेटी की नादानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था नसीम बानो को जब ये बात पता चली तो वह चिंतित भी हो गई वजह यह थी एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे दूसरी बात यह है कि वह शादीशुदा और तीन बच्चों के बाप भी थे वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सायरा राजेंद्र कुमार से मिले पर वह सायरा के करियर के कारण यह कर भी नहीं पाई इस बीच सायरा राजेंद्र की जोड़ी 1966 में आई फिल्म अमन और 1968 में आने वाली फिल्म झुक गया आसमान की शूटिंग के दौरान खासी शोहरत बटोर रही थी अभी तो तुम सायरा नहीं नहीं बानो उनके साथ शादी के सपने देखने लगी। इधर राजेंद्र कुमार भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थे सायरा की मां नसीम को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी बेटी पर काफी गुस्सा आया उन्होंने इस बात की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से की सबने सायरा को शादीशुदा और बाल बच्चेदार राजेंद्र कुमार से दूर रहने के लिए प्यार से समझाया पर कहते हैं ना प्यार में डूबे इंसान को समझाना इतना आसान नहीं होता सो सायरा नहीं मानी हालांकि राजेंद्र कुमार को बात कुछ समझ आ गई कि उनका घर परिवार है सो वो खुद सायरा से दूर होने लगे दोनों की दूरियों की भी खबर आने लगी किस्सा सायरा बानो के जन्मदिन का है 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो अपना 22वां जन्मदिन मना रही थी कहते हैं दिलीप कुमार भी आमंत्रित थे और राजेंद्र कुमार भी दिलीप कुमार ने समारोह में न आने का अपना खेद पत्र पहले ही भिजवा दिया था राजेंद्र कुमार से बढ़ती दूरियों के कारण सायरा खासी अपसेट थी मामला तब और भी तूल पकड़ता दिखने लगा जब समारोह में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए अब तो सायरा पागल हो गई और रोने लगी मामले की गंभीरता भापकर नसीम बानो ने दिलीप कुमार को फोन किया और सिचुएशन संभालने की मिन्नत की दिलीप साहब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्मदिन पर आए जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद रात में नसीम बानो ने दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने को कहा दिलीप कुमार ने सायरा बानो से कहा कि वे राजेंद्र कुमार के साथ लव स्टोरी पर अपना स्टैंड क्लियर करें उनसे रिलेशनशिप की बेवकूफी भरी हरकत ना करें दिलीप कुमार उन्हें समझाते रहे सायरा मान गई पर हैरत भरी शर्त के साथ कहते हैं सायरा बानो ने कहा कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी को राजी हो जाएं तो वो राजेंद्र कुमार का पीछा छोड़ देंगी आखिरकार दिलीप कुमार को सायरा बानो की जिद के आगे झुकना पड़ा हालांकि सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में इस चर्चा को गलत बताया था और कहा था कि वास्तव में दिलीप साहब ने ही उन्हें प्रपोज किया था बहरहाल उसी साल यानी 1966 में ही दोनों विवाह बंधन में बंध गए सायरा के जन्मदिन के छह हफ्तों के बाद ही सबको हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों 2 दो अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं सब हैरान थे कि आखिर सायरा बानो के जन्मदिन के महज दो महीनों में ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार मंगनी और फिर निकाह को राजी हो गए दिलीप कुमार जो फिल्म इंडस्ट्री में द मोस्ट एलिजिबल बैचलर संबोधित किए जा रहे थे उन्होंने ना सिर्फ मंगनी पर दो ही महीने के अंदर निकाह भी कर लिया और इस तरह दिलीप कुमार अपने दोस्त नसीम बानो के दामाद बन गए दिलीप कुमार से शादी के बाद 1967 में उनकी राजेंद्र कुमार के साथ पहली फिल्म अमन थी शादी के बाद उन्होंने काफी नामचीन मूवीज में काम किया जैसे पूरब और पश्चिम पड़ोसन विक्टोरिया नंबर 203 और भी बहुत इतना ही नहीं गोपी और बैराग में वो दिलीप कुमार के ऑपोजिट भी नजर आई तो दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी बीती बीच के एक दो वर्षों को छोड़कर जब दिलीप साहब ने आसमा नाम की एक महिला से शादी कर ली थी सायरा बानो और उनके संबंधों को मोहब्बत की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है आप ये जानते ही हैं, दिलीप कुमार के अंतिम समय तक सायरा बानो ने उनकी पूरी देखरेख की और साथ दिया आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा आज के लिए बस इतना ही अब दीजिए अपनी दोस्त व होस्ट प्रतिभा को इजाजत नमस्कार